होम्योपैथी के बारे में तो हर एक आदमी जानता है, क्योंकि बायोकेमिक अलग एक चिकित्सा पद्धति है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पांडे, हमारे साहस होम्योपैथी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बायोकेमिक विधि द्वारा समस्याओं का समाधान बताने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। जो आज का जो टॉपिक है मेन, कि बायोकेमिक नंबर के बारे में, एक से लेकर 28 नंबर तक का सीरीज में आपको बताने जा रहा हूँ, और एक नंबर से लेकर 28 नंबर तक का। इससे पहले मैंने आपको बायोकेमिक के बारे में पूरा बताया था, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। बायोकेमिक 12 प्रकार के बायोकेमिक होते हैं, और बायोकेमिक में 12 बायोकेमिक को आपस में मिलाते हुए, 3 बायोकेमिक 4 बायोकेमिक को आपस में मिलाते हुए नंबर हमारे बनते हैं, उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। चलिए शुरू करते हैं। हमको लगातार पतली लैटिन आने लगती है, जिसको डिसेंट्री बोलते हैं। लगातार 3 से 4 बार 5 बार लैटिन आने लगती है, ऐसे में आप बायोकेमिक नंबर 9 का उपयोग कर सकते हैं। अगर 3 बार लैटिन होगी तो 3 बार ले लें, 6 बार होगी तो 6 बार ले लें। इससे पूर्ण रूप से लाभ मिलता है बायोकेमिक नंबर 9 से। और बायोकेमिक नंबर 9 में जो है फेरम फॉस, काली फॉस और मैक्सल्प मेडिसिन मिक्स हैं। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट जो वीडियो आ रहे हैं वो आप तक तुरंत पहुंच रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार।